कर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश में कल 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। 10 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर देखी जाएगी। वोटिंग के लिए अंतिम दौर में प्रशासन की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है। साथ ही बता दें कि प्रदेश में कल 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जो है कल किया जाएगा। 10 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर होगी। वोटिंग के लिए अंतिम दौर में प्रशासन की तैयारियां जो है की जा रही है। तो कल 25 मई है और साथ ही बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। साथ ही करनाल का उपचुनाव भी कल 25 मई को ही होना है। तो प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल मतदान होगा। लोकसभा की 10 सीटों की बात की जाए तो 223 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो वोटिंग के लिए अंतिम दौर में प्रशासन की तैयारियां हैं क्योंकि कल वोटिंग होनी है। 25 मई है कल और साथ ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होनी है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कल 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं करनाल जो सीट है उपचुनाव भी करनाल की सीट पर किया जाएगा। 23 मई से शाम को 6 बजे से साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई है। उसका मतलब ये है कि अब जो प्रचार प्रसार है चुनाव के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। सभी कैंडिडेट्स को ये हिदायतें हमने अपनी तरफ से लिखित में भी भेजी हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो इस समय साइलेंस पीरियड की शर्तों का पालन करें। उसमें कोई भी बड़ी रैली हैं, फंक्शंस हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना, रोड प्रोसेशंस निकालना, इस तरह की चीज़ों की अनुमति नहीं होगी। जो पोल डे है 25 मई, उस दिन सभी कैंडिडेट्स को एक एक गाड़ी अपने लिए और उनके इलेक्शन एजेंट्स को इस्तेमाल के लिए हर एक विधानसभा लेवल पे एक गाड़ी अलाउड होगी। तो उसकी परमिशन भी वो डीसी ऑफिस में आकर के अप्लाई कर सकते हैं। सर, हमारी जो गुड़गांव लोकसभा है उसमें 2481 बूथ हैं, 2481 बूथ्स आर देयर। उन सब बूथों पे हमने पोलिंग पार्टीज तो लगाई हैं, सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स किए हैं, ड्रोन से भी हम सर्वेलेंस करेंगे जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं उनकी, और हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था है। जो वेबकास्टिंग होगी हमारी, उसके लिए हमने डेडिकेटेड लोग लगाए हैं जो उस पे डीसी ऑफिस से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से बूथ वेबकास्टिंग के जरिए बूथों पे नजर रखेंगे। इसके अलावा जो वोटर्स हैं उनको असुविधा ना हो तो उनके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो ORS घोल हो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, हीट वेव है, उनके वेट करने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, पंखे कूलर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं बूथ लेवल पे की गई है। तो 10 सीटों पर, 10 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। छठे चरण में कल वोट डाले जाएंगे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। साथ ही साथ करनाल उपचुनाव भी कल ही होना है। ऐसे में जो प्रशासन है वो तैयारियां पूरी कर चुका है। आज अंतिम दौर में प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। तो कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कनीना का ही रुख कर लेते हैं। राजीव वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, 25 मई का इंतजार हो रहा था, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, कल छठा चरण है, क्या तस्वीरें कल देखने को मिल सकती हैं? जी, इस समय हम मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और कल यहाँ पे वोटिंग होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल 8 राज्यों में 58 लोकसभा सीटों पर 882 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कल सुबह 6 बजे मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद
7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद मतदाता अपने मत डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया जाएगा, उनको मशीनें और वितरित की जाएंगी और शाम तक सभी पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। राजीव, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि कितने बजे से जो है वोटिंग शुरू होगी और गर्मी के चलते क्या बंदोबस्त यहां पर मतदाताओं के लिए किए गए हैं। जी, 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, उससे पहले रिहर्सल करके दिखाई जाएगी और उसके बाद 7 बजे मतदान शुरू होने के बाद शाम को 6 बजे तक मतदान चलता रहेगा। लेकिन यदि लाइनों में रहे तो मतदान लगातार जो ना टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनके पर पानी की भी व्यवस्था की जा रही है और टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि जो मतदाता आएंगे वोट डालने के लिए किसी तरह से हीट वेव को देखते हुए उनको गर्मी में इस तरह की पानी की सुविधा वहाँ पे मतदान केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। चलिए राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज मलिक भी कैसल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, फिलहाल 25 मई को लेकर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं, कल वोट डाले जाने हैं, कैथल की बात अगर की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की बात कर लो, जो सभी तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। लगभग 807 मतदाता केंद्र कैथल जिले के अंदर बनाए गए हैं और टोटल कैथल जिले की अगर वोट की बात करें तो 8,09,672 टोटल जो मतदाता है वो अपनी वोट डालेगा। उसमें बता दें कि जो लगभग बात करें तो 18,922 जो युवा है वो पहली बार अपनी वोट का लोकसभा वोट का वो डालने का वो काम भी करेंगे। बता दें कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो आसपास के 100 मीटर की परिधि के आसपास के जो धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर एंट्री ना कर सके। उसी के साथ साथ लगभग 12 नाकेबंदी यहाँ पर कैथल में की गई है ताकि कोई जो भी चेकिंग के दौरान ही अंदर एंट्री की जाएगी और सभी के जो बात करें अगर अफरा तफरी ना उसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें तो टोटल की बात करें तो कलैत की बात करें 2,14,667 जो वोट है वो अब की बार वोटर वहां पर डालेगा। उसके साथ गोलक सिका की बात करें तो 92,265 जो वोटर है वो अपनी वोट डालने का भी काम करेगा और 2,19,994 जो वोटर है वो कैथल हल्के के वोटर है वो भी अपने वोट डालने का काम भी करेंगे। इसमें बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो तैयारियां जो वो पूरी कर ली गई है और बता दें कि अंदर उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें या बात करें मोबाइलों की बात करें तो उन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और अंदर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगातार शुरू कर दिए गए हैं ताकि कोई भी बात करें कोई भी घटना को कोई भी अंजाम ना दे सके। या वोटिंग की बात करें या पोलिंग स्टेशन की बात करें तो हर जगह जो पुलिस द्वारा जो पैरा है वो सख्त कर दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा जो अधिकारी है उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है। उनको हर समय बात करें या चेकिंग की बात करें या फिर किसी भी व्यवसाय की बात दायरा में आता है तो उसको जो चेकिंग का जो ठोस प्रभाव से चेकिंग उसकी की जाती है। और मेरे पीछे भी आप देख ही सकते हैं कि जो बात करें मशीन लेने के लिए जो बात करें पोलिंग वाले जो आए हुए हैं वो अभी वेटिंग वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद 10 बजे का समय रखा गया है। यहाँ मतदाताओं के बारे में और पोलिंग मशीन के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इनको जो इनकी गाड़ी है उनके साथ इनको पोलिंग मशीनों के साथ इनको रवाना किया जाएगा। मनोज, जैसे राजीव ने बताया कि मॉक ड्रिल जो है शुरू होगी, किस तरीके से वोट डालना है, नए वोटर्स को बताया जाएगा, क्या इस तरीके की सुविधाएं भी कैथल में की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल की अगर बात करें या बात करें किस प्रकार जो वोटिंग करनी है, किस प्रकार जो ट्रेनिंग देनी है वो अधिकारियों की बात करें या जो जिन की पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी लगी है उनकी बात करें तो सभी जानकारियों से उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है। उसका लेकर आज अंतिम दिन और कल सुबह से जो वोट मतदाता है दोबारा 5 साल बाद फिर अपने जो वोट है लोकसभा चुनाव के सुबह 6 बजे डालना शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बने रहिए मनोज हमारे साथ। राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल ऐसे कितने नए वोटर्स हैं जो इस बार वोट देने वाले हैं हरियाणा में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है इसमें 17 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उसमें जो अटेली विधानसभा की हम बात करें तो इसके अंदर अब 215 बूथ जो है ना बनाए गए हैं और पूरे हम
छह राज्यों में जो सॉरी 8 राज्यों में 58 लोकसभा जो सीटें हैं उन पर कल मतदान होगा, जिसमें 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं वो शामिल है, और जिसमें हरियाणा में 223 प्रत्याशी जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में है 10 सीटों पर जो अपनी कल किस्मत मजाएंगे। वही सबसे जो कम प्रत्याशी है वो जम्मू कश्मीर में है, जो 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत लोकसभा सीट पर आजमाएंगे, और कल मतदाता उनके वोट डालकर किस पार्टी को किस को जिताएंगे वो कल मतदाता डिसाइड करेंगे। बिल्कुल राजीव, फिलहाल प्रशासन के हाथ में है कि वो वोट करेंगे और किसकी किस्मत में होगा वो सीट जीतना। बेहद शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हरियाणा में कल 25 मई को वोटिंग होनी है लोकसभा की 10 सीटों पर, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, झज्जर की तस्वीरें, कलानौर की तस्वीरें, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, और साफ इन तस्वीरों में बताया जा रहा है कि चेकिंग जो है की जा रही है। हालांकि जो चेकिंग है ये पहले से ही चेकिंग अभियान काफी लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल हरियाणा में छठे चरण में वोटिंग होनी है। तो 10 लोकसभा सीटों को लेकर वोटिंग होगी और साथ ही करनाल में उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर तैयारियां जो है अंतिम चरण में है।